नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। और बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बिहार में कुल 13 करोड़ से अधिक की आबादी है। इसमें सबसे ज्यादा 63% जो है वो ओबीसी है, 27% पिछड़ा वर्ग है इसके अंदर, और 36% जो है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। इसकी आबादी हम आपको बता रहे हैं, बिहार में जो आबादी के आंकड़े अभी निकले हैं, इसके बाद बिहार में एससी की जो वर्ग है उसमें 19% की आबादी है। ऐसे आंकड़े आए हैं जो अभी बिहार की सरकार ने अभी लागू किए हैं, जारी किए हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर इन आंकड़ों का ऐसे वक्त में आना जब देश में 5 राज्यों में चुनाव है, इसके क्या मायने निकल करके आते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ शक्ति यादव जुड़ रहे हैं, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सैयद जवाद साहब, और अभिषेक जी झा है बिल्कुल हमारे साथ जेडीयू से, और बीजेपी से अनामिका सिंह है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जी इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सबसे है ना एक एक मिनट का रिएक्शन ले लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हर एक दल का के क्या मायने हैं। कि आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जवाद साहब हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि आप क्या एज एनालिस्ट क्या सोचते हैं कि इस तरीके से जो अभी आंकड़े आए हैं, अब इसके क्या मायने आ सकते हैं, किस पार्टी के लिए कितना ये फायदेमंद हो सकता है और कितना नुकसानदेह? मनीषा, मुझे लगता है इसको राजनीतिक मुद्दे से थोड़ा सा अलग हट करके भी देखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक मुद्दे के तौर पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो देख रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जो है दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। देखिए, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। इसमें खास तौर से एक विशेष वर्ग के लोगों को जिस तरीके से अंतिम पायदान तक पहुंचे एक व्यक्ति तक जो है सरकार की सहूलतें नहीं मिलती हैं, तो इससे एक फायदा तो ये होगा कि अंतिम व्यक्ति तक पायदान तक कितनी सहूलतें सरकार की पहुंचती है उससे साफ पता चल जाएगा। अभी ये जातिगत जनगणना नहीं है, एक सर्वे कराया है खास तौर से बिहार सरकार ने। हाँ, लेकिन अब इसको एक चुनावी मुद्दा बनाएंगे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, और खास तौर पे जिस पिच पे भारतीय जनता पार्टी खेल रही थी, आपको पता होगा बीजेपी ने तमाम जातियों को जोड़ करके एक 2014 के अंदर समीकरण बनाया, तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ये तमाम जगहों पे हर एक जाति समुदाय के बीच जो है बना करके एक कार्ड खेलने की कोशिश करी थी, और उनको 2014 में भी कामयाबी मिली और 2019 के अंदर भी कामयाबी मिली। लेकिन अब जो है विपक्ष जिस तरीके से इकट्ठा हुआ है, जिस तरीके से इंडिया का अलायंस बना है, उसमें ये मुद्दे जो है काफी हावी रहने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे जो है पिछले 9.5 वर्षों से जो एक समाज के अंदर राजनीति चली है, खास तौर पे हिंदू मुसलमान की जो डिवाइड करने वाली पॉलिसीज जो लोग अपनाते थे, चुनावी मुद्दे बनाते थे, उसके ऊपर जो है थोड़ी सी नकेल भी कसेगी, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई है और इसमें न्याय तय होना चाहिए बहुजन समाज का, पिछड़े समाज का, अति पिछड़े समाज का और अल्पसंख्यकों का। ठीक है, जी ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से किस पार्टी, अगर जो भी पार्टी आगे आती है उस वो कितना ज्यादा न्याय कर पाती है अपने कास्ट के लिए। जेडीयू से हमारे साथ अभिषेक झा हैं। आपकी पार्टी ने ही इसको बहाल किया है, आपकी सरकार ने बहाल किया। अब आप बताइएगा कि अब किस मायने से इस चीज को इस वक्त जी बहाल किया गया है, जब आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों में अभी चुनाव है। ऐसे में आंकड़े निकल करके आना क्या संदेश देता है? लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी कोई काम चुनाव के मद्देनजर नहीं किया है। नीतीश कुमार जी वादा पूरा करते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण तो अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं। 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 ने जनता को दिखा दिया उनका जो कमिटमेंट जनता के प्रति है। महिला आरक्षण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोल पीट रहे थे। नीतीश कुमार जी की सरकार कब बनी थी? 2005 में। 2006 में ही महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव में 50% आरक्षण देना, नियोजित शिक्षकों के मामले में 50% आरक्षण देना, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देना, बेटियों को यहाँ इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण मिलता है। तो नीतीश कुमार जी तो करने में विश्वास रखते हैं और उन्होंने करके दिखाया है। हम उनको, बिहार की जनता को बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। इससे कहीं ना कहीं सारी स्थितियां हमारे सामने स्पष्ट हो पाएंगी और एक बिहार मॉडल फिर से देश के सामने है। अधिकांश राज्यों को इसका अनुकरण अनुसरण करना चाहिए, इससे पूरे देश को लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार जी तो व्यक्तिगत रूप से चाहते थे, हमारी पार्टी चाहती, अधिकांश दल चाहते कि देश के स्तर पर जातीय जनगणना हो, लेकिन आपने देखा किस कदर भारतीय जनता पार्टी का एक दोहरा चरित्र है। ये लोग सदन के अंदर कह रहे थे कि देश में जातीय जनगणना कराए, जब बिहार में जातीय जनगणना की बात हुई तो सदन के अंदर सदन के बाहर इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
प्रधानमंत्री तक से जाकर के मिले, लेकिन जब मौका आया पीछे हट गए। किस तरह की साजिश रची गई, बिहार के हाई कोर्ट में भाजपा द्वारा संपोषित संस्थाओं ने अपना पक्ष रखा, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल जाकर खड़े हो जाते हैं इसके खिलाफ। लेकिन ऐतिहासिक दिन रहा, ऐतिहासिक फैसला रहा कि लाख अड़चनों के बावजूद बिहार की सरकार ने जातीय गणना की जो रिपोर्ट है वो सुपुर्द कर दी। सर्वदलीय बैठक हो रही, सर्वदलीय बैठक में सारी संख्याओं स्पष्ट हो। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से, जिस तरह से आप लांछन लगा रहे हैं बीजेपी पर, वैसे तभी हमारे साथ बीजेपी से अनामिका सिंह भी हैं, उनसे जान लेते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी इसके खिलाफ थी या फिर एक बार बार अड़चने पैदा कर रही थी इस जनगणना के खिलाफ। अब आप बताइएगा कि क्या मायने रखता है, क्योंकि अगर यूपी की योगी सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा था कि जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, और खासतौर पर अगर जातिगत जनगणना की बात करें तो इसकी कोई नीड नहीं है। और ऐसे में ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं, सभी पार्टी, सभी विपक्ष जो है वो एकजुट होकर के इसके पक्षधर है, इसका स्वागत कर रहे हैं। किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को जिसे विकास करना हो तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पे हमें विकास की बात करनी होती है, ना कि जातीय आधार पर। अभी मैं अपने जेडीयू के प्रवक्ता भाई को सुन रही थी, उसके पहले भी मैंने सुना कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। अगर भारतीय बहुसंख्यक लोगों की हिंदुत्व की, सनातन की और भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करना, धर्म की बात करना है, तो हम स्वीकार करते हैं कि हम धर्म की बात करते हैं। हम उनके हिसाब से धर्म की बात करते हैं, हम आयुष्मान योजना बनाते हैं, हम उज्ज्वला गैस योजना बनाते हैं, ना हम उसमें धर्म देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना आगरा देखते हैं, ना पिछड़ा देखते हैं। और इनकी जो इस समय सोच है, मुझे ऐसा लगता है नीतीश जी की आदत है ब्लैकमेल करके राजनीति करने की। तो जिस गठबंधन को उन्होंने बनाया हुआ है, जब वो देखते हैं कि उनसे उनमें फुटेज नहीं मिल रहा है, और उन्हें आदत हो गई है कि हर समय खुद को आगे रखने की, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके इस अहंकार को बढ़ावा दिया है, हमने हमेशा उन्हें बड़ा भाई समझ के रखा, तो इस गठबंधन में उन्हें सबसे आगे कैसे निकलना है? तो एक शगुफा छोड़ते हैं जातीय सर्वेक्षण कराने का, जनगणना कराने का, और ये दिखाने का कि मैंने कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और पूरे देश में जैसे वो कोई क्रांति ला देंगे। आपने मनीषा जी आंकड़े देखे होंगे, पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में लगातार अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा, और उसमें भी सारे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भारत के लोग, भारत के जो लोग हैं वो जाग चुके हैं, सारे भारतीय, सारे हिंदू इस बात को समझते हैं कि हमें सिर्फ झूठ का एक संसार नहीं चाहिए जिसमें आप जाति की बात करते हैं, हमें जीवित रहने के लिए अपनी संस्कृति भी चाहिए। और इतिहास इस बात का गवाह है कि सभ्यताएं बनती हैं और खत्म हो जाती हैं, परंतु जिस देश की संस्कृति को नष्ट किया जाता है मनीषा, फिर वो देश खड़ा नहीं होता। तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस समय क्या लाते हैं, ये आपस में तय करें मनीषा कि इन्हें किसको आप कितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, किसको कितनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। नीतीश जी को डरना चाहिए कि आप उनसे लालू जी करेंगे कि उनकी हिस्सेदारी। ठीक है, हमारे साथ शक्ति यादव भी हैं आरजेडी से। शक्ति यादव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक जी बिल्कुल आ रही है। आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है आरजेडी के, जेडीयू की तरफ से, आपके साथ ही ये सरकार है, आप बताइएगा कि कितना फलदायक रहेगा ये? आप इसको ब्रह्मास्त्र या दिव्यास्त्र के परिधि में मत बांधिए, जनता के, जनमानस के उन्नयन के लिए है। और ये जाति आधारित गणना बिहार ने क्यों कराई? क्योंकि हम लोग तो चाहते थे कि देश के स्तर पर जनगणना हो, और इस बाबत प्रधानमंत्री से जाकर के उप मुख्यमंत्री जो अभी हैं, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, सदन में प्रस्ताव लाया, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। ये बात तो सत्य है कि जनता पार्टी उन दिनों लाचारी ब्रह्मचारी की भूमिका में आकर सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने हाँ भर दी, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उस डेलीगेशन में जो गए थे वो जाकर करके बिहार निवास जाते आते अपने बयान को बदल दिया। सवाल है कि जाति गणना का आशय सिर्फ इतना ही है कि इनके अंदर जो लाचारी है, बेबसी है, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी रोजगार से वंचित है, मुख्यधारा में नहीं है, उनको सशक्त करने के लिए अगर योजना के आकार आप तय करते हैं तो उसके लिए आपको उपबंध उसमें निहित करना पड़ेगा ताकि उनका हम सशक्तिकरण कर सके। देश मेरा ठीक है। जनता पार्टी, भारतीय जनता, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति, सनातन की बात करते हैं, सनातन, सनातन जो है सहिष्णु अगर है तो सनातन भाईचारा की बात करता है। राम रहीम और आसाराम बापू सनातन के प्रतीक नहीं हो सकते हैं। मालेग्राम के जो सबसे बड़े कल्प्रीट हैं
वो मोहतरमा वो सनातन के प्रतीक नहीं हो सकते हैं। सनातन कभी दूसरे धर्मों से घृणा नहीं करती है, अनादर नहीं करती है। किस हिंदू की बात करते हैं? जिस हिंदू आप बात करते हैं, जहां भरी सभा में जहां पर बैठ के सांसद एक महिला विधायक के साथ छेड़छाड़ करता है, ये सनातन देश को नहीं चाहिए। हिंदुत्व का मतलब, ये हिंदू का मतलब होता है भाईचारा, रिश्ता। ये नहीं होता है कि धर्म धर्म में हिंदू मुसलमान करके नफरत की खेती करो। देश में जिस जिस योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं, इनके आयुष्मान भारत में कितने बड़े घोटाले हुए, सीएजी की रिपोर्ट में क्या कहा गया, किसकी चर्चा कर रहे हैं? गैस सिलेंडर की चर्चा, इसकी कीमतें आसमान छू गई। देश आज जिस मोड़ पे खड़ा है, जिस हालात में खड़ा है, एक एक भारतीय की आकांक्षा जो उनके मन के अंदर बात आज है, भारत के वासियों के मन में, उनके मन में है कि हम कहाँ खड़े हैं, युवा कहाँ खड़ा है, किसान कहाँ खड़ा है, देखना पड़ेगा। आम आदमी महंगाई चर्चा करना चाहते हैं। आधारित गणना ने आंख खोली है, और ये देश स्तर पर एक भी भाजपा शासित राज्य बताए जहां जाते आधारित गणना को बल दिया। आपने तो पार्लियामेंट के अंदर में नकार दिया कराने का इरादा नहीं। 19 में राजनाथ सिंह ने कहा कि हम करना चाहते, तो राजनाथ सिंह फिर पलट गए। आप 21 में 20 में आप नहीं करा पाए, तो आपने ठीक है शक्ति जी हमारे साथ जवाब साहब हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, एक टिप्पणी करना चाह रहे हैं, प्लीज बताएं। नहीं मनीषा, मैं अभी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि राजनीति से नहीं और चीजें नहीं, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी जाति बता करके लोगों के बीच खड़े होते हैं और बताते हैं कि मुझे जो है विपक्ष के लोग जो है मैं पिछड़े समाज से आते हूँ इसलिए करते हैं और मेरे पर कटाक्ष करते हैं, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, मैंने चाय बेची है, और उसके बाद जाति बता बता करके जो है मंत्रालय बांटे जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं होगा कि जो लोग पिछड़े हैं, वंचित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है और तमाम जो है अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनके हक की बात होगी या नहीं होगी, या वही अपना नफरती चूरन बेच बेच करके? जवाब साहब, आपका ये प्रश्न रहा कि आप पिछड़े वर्गों को उनका न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या उनको उनके हिसाब का जो काम करना? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जब जाति बताई, और आपको याद होगा केंद्र सरकार ने जाति बता करके अपने पोर्टफोलियो बांटे थे, मंत्रालय बांटे थे, तो वो किस आधार पर बांट दिए थे, सवाल तो पूछना चाहिए ना। ये रहा। और दूसरा सवाल अभिषेक जी पूछना चाह रहे थे उस समय, आप पूछिए जरा, भाजपा के जो हैं हमारे साथ प्रवक्ता अनामिका जी, वो दोनों प्रश्न एक साथ बताएंगी प्लीज। मसला ये है ना कि लगातार हम लोग टीवी डिबेट्स में हैं, और टीवी डिबेट्स में भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र कुछ प्रश्नों के माध्यम से उजागर हो पा रहा है। आप इनके किन्हीं भी प्रवक्ता से जरा पूछिए डायरेक्ट, ये लोग देश के स्तर पर हो या प्रदेश के स्तर पर, जातीय जनगणना या जो भी कास्ट सर्वे हुआ है बिहार में उसके पक्ष में है कि नहीं। दूसरा, इन लोगों ने जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था, इससे पहले हो या अब की बार, जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी बनी उम्मीदवार, या फिर इससे पहले रामनाथ कोविंद जी बने, इन लोगों ने उछल उछल कर जाति बताई। प्रधानमंत्री जी खुद को इतना रिप्रेजेंट करते हैं पिछड़ों का मसीहा, देश के स्तर पर अगर ये पिछड़ों के मसीहा होते तो बाबू जगजीवन राम के नाम पर चल रही छात्रावास योजना का नाम क्यों बदल दिया जाता? पहली से लेकर आखिरी तक की अति पिछड़ा समाज से आने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति क्यों बंद कर देते? तो इनसे पूछिए साफ तौर पर कि आज बता रहे हैं कि देश में एक जाति है गरीब या लोग हैं गरीब, इनसे पूछिए कि आज के डेट में इनका स्टेटस क्या है, ये देश के स्तर पर हो या प्रदेश के स्तर पर, जातीय जनगणना के पक्ष में है या खिलाफ में? ठीक है, तो करवाएं, और खिलाफ में है तो पहले इतना ढोंग क्यों किया, सवाल पूछिए। अनामिका जी, दो सवाल हैं आपके लिए सीधे सीधे, कि एक तो ये कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको न्याय कब मिलेगा, और दूसरा ये कि क्या आपका स्टैंड क्या है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी अभी भी अपना एक ये श्रेय लेना चाह रही है कि जब बीजेपी और जेडीयू साथ में थे, गठबंधन में थे, तब ये प्रस्ताव रखा गया था, इसमें बीजेपी का हाथ है, तो आप अपना स्टैंड जरा बताइएगा कि अब बीजेपी इस पर क्या स्टैंड लेना चाह रही है। मनीषा जी, जब हम इसका श्रेय नहीं ले रहे, ये तथ्य और सत्य है कि जब इसका प्रस्ताव रखा गया तो हम इसके साथ थे। एक विषय पहले उन्होंने जो कहा, मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच से ये कहते हैं कि वो पिछड़ा जाति से हैं या वो एक गरीब के बेटे हैं, तो इसका जवाब ये है कि यही लोग हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर स्वर्ण पार्टी होने का या फॉरवर्ड्स की पार्टी होने का आरोप लगाते रहे, और पूरे देश के ओबीसी को इस बात पे, या पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों को, इवन एक धर्म विशेष के लोगों को डराते रहे, बताते रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दें।
तो इस बात के लिए पूरे संदर्भ और प्रसंग के साथ कोई बात रखिए, तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े का बेटा, जब वो पिछड़ा कहते हैं तो वो बता देते हैं इनको वर्ग की बात, और जब वो गरीब कहते हैं तो बता देते हैं वंचित व्यक्ति की बात। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ एक गरीब का बेटा और पिछड़े वर्ग से आने वाला बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, उसे युवराज नहीं होना पड़ता, ना उसे लालू प्रसाद यादव जी का बेटा होना पड़ता है, ना मुलायम सिंह का बेटा होना पड़ता है, और ना राजीव गांधी का बेटा और सोनिया गांधी का बेटा और इंदिरा गांधी का पोता होना पड़ता है। और दूसरा विषय मैं जवाब देना चाहूंगी कि पिछड़े की बात करने वाले हमारे पास सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद है एक विषय, और हमारे लिए कभी भी भारत भारत है, ये भारत भूमि है, और हम भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जीने वाली पार्टी है और अंत्योदय में यकीन करते हैं। ये हमारी विचारधारा है, अंत्योदय यानी पंक्ति के अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति और उसका उद्धार करना और उसका विकास करना, और उस पंक्ति में फिर हम नहीं देखना चाहते कि कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन स्वर्ण है, कौन दलित है, कौन अति दलित है। और नीतीश कुमार जी के विषय में तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जदयू के प्रवक्ता मेरे भाई बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार जी की पुरानी प्रवृत्ति और प्रकृति रही है ब्लैकमेलिंग की, राजनीति करने की, और उनके अहंकार को, अपने को श्रेष्ठ मानने के अहंकार को कहीं ना कहीं तुष्ट करने में हमारी नैतिक गलती रही। वो इस तरह से रही कि हमने कम सीट आने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। तब चूंकि उन्होंने जो एक गठबंधन बनाया है उसमें कहीं भी उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिल पा रहा है, और जो लगातार उनके साथी उनको प्रधानमंत्री के दावेदारी की बात कर रहे हैं उनकी पार्टी के लोग, वो मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जैसे कि हमेशा उनकी आदत है, वो एक छोड़ना चाहते हैं शगुफा, कि मैंने एक शगुफा छोड़ा और देखिए मैंने एक अलग तरह की चीज, कोई जिन मैंने निकाल दिया है, वो जिन आएगा और सारे विकास कार्यों को भारतीय जनता पार्टी के खत्म कर देगा, और 2024 में कि उनको कोई इज्जत नहीं मिलती, या फिर आरजेडी से ही पूछ लेते हैं। शक्ति यादव जी हैं हमारे साथ, आप बताइएगा मुझे एक आधे मिनट में अपनी बात खत्म करने दें, आधे मिनट में। आरजेडी और जेडीयू और बाकी तीनों लोगों से कहना चाहती हूँ, बिल्कुल जातिवादी बनिए आप, बिल्कुल पिछड़े लोगों के हितकारी बनिए, हितैषी बनिए, एक बार हिम्मत करके अपने परिवार से लालू जी अलग जाके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए किसी गरीब का नाम दे दें, गरीब यादव का, या नीतीश जी दे दें किसी कुर्मी का, और ज्यादा हिम्मत दिखाना चाहते हैं वो किसी अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो बात करते हैं हमेशा, तो किसी मुस्लिम भाई का नाम प्रस्तावित कर दें, मैं नतमस्तक हो जाऊंगी उनके सामने और परिवार से बात कर। शक्ति यादव, ये दोहरा चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, यही दोहरा चरित्र है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहिए कि 9 साल 10 साल हो गए, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा चयनित कर ले जाकर के, बगैर चेहरे के चुनाव लड़ ले, जो सांसदीय प्रकार है उसमें कर ले आकर के चुनाव। ये कौन सी बात हुई, ये कहां से शगुफा लेकर, खुद लेकर, मतलब खुद चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री नहीं तो मोदी के अगेंस्ट में हूँ, मोदी के अगेंस्ट में हूँ, कौन खड़ा होगा? आप बताइए, तीन राज्य के मुख्यमंत्री का चेहरा आपका कौन सा होगा? शिवराज सिंह चौहान आपके यहाँ थे, चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने तो तीन जो है ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री दे रखे हैं, वो भी तो यही कहते हैं। आपने कितने बनाए अभी तक, कितने समाज के मुख्य, उन्होंने तो दलित मुख्यमंत्री भी बनाया पंजाब के अंदर, आपने कितने बनाए? और जो आपके यहाँ थे शिवराज सिंह चौहान की क्या स्थिति है, उमा भारती आज क्या बोल रही है, पूछिए जाकर के, वहां जवाब नहीं है, और यहाँ पर आकर के टीवी के ऊपर प्रवक्ता जो है मां वाणी के बाहर छोड़ते, पूछिए ना उमा भारती से, शक्ति यादव जी समर्थन करा था नहीं करा था? ठीक है ठीक है ठीक है, शक्ति यादव जी मैं आपके पास चलूंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी की कोई इज्जत नहीं करता, पहले ना बीजेपी के साथ थे तब नहीं था, लेकिन उन्हें सराखों पर बिठा कर रखा, फिर भी वो फिर आरजेडी के पास गए, वहां पे भी उनकी इज्जत नहीं है। नीतीश कुमार जी का इज्जत पहले भी था, आज भी है, और जो नीतियों के वाहक अपने नीतियों के प्रति वो कपट होते हैं। पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से कि बिहार का जो मॉडल आते हुए जीविका बिहार ने शुरू किया, देश ने आजीविका बनाई, हर घर बिजली शुरू किया बिहार ने, आपने अडॉप्ट किया, हर घर हमने जल नल का जल अडॉप्ट किया और लागू किया, इसको अडॉप्ट किया भारत सरकार ने, तो बिहार जो किया सबसे बड़ी बात है कि चेहरे की बात करते हैं। अरे भाई, जब चेहरे की बात करते हैं, ठाकुर प्रसाद जी का बेटा रविशंकर मंत्री बने हुए थे, पीयूष गोयल कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, अब किनके किन मुख्यमंत्रियों के बेटे कहाँ कहाँ आपको पता ही है, राजनाथ सिंह के खुद के बेटे हैं। अब 90 सेक्रेटरी में से अगर 3 एबीसी का है, अगर सवाल सामने आता है तो ऐसे पिछड़े का बेटा प्रदेश का प्रधानमंत्री हो जहाँ नियुक्तियां को खा जाए और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ सटे लोगों को समाहित करे, तो ऐसा देश चाहिए, देश को चाहे जो न्याय, और आप देश के अंदर में जो हालात आपने पैदा किया है, आपके पास कौन सा एजेंडा है? कभी महंगाई बेरोजगारी पर बोलते हैं, हिंदू मुसलमान, अरे हिंदू ही इसी देश के हैं, मुसलमान भी इसी देश के हैं, आप जिसकी बात करते हैं, आप तो सर्टे लोगों की बात करते हैं,
आपके यहाँ बात होता है उन्माद की, भाषाई आतंक की, नफरत की बात करते हैं, कभी आपने मिल्लत की बात नहीं की। आपके पुरखे इस बात के गवाह आज भी कायम है कि ग्वालियर के थानों में किन लोगों के देश के। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम उसका जानना नहीं चाहते। अभिषेक जी आपसे सवाल, मैं कह रही हूँ एक राज्य में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस तीनों एक साथ लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के तौर पर, तो आप किस तरीके से हर किसी की मांगों को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी के मांग एक जैसे हैं लेकिन विचारधारा अलग अलग है। सबकी मंशा एक है मनीष, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, और नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास एक है लेकिन मांग भी एक है। अब एक सीट हर किसी को नहीं दी जा सकती। जवाब देता जवाब देता नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा और सबका सहयोग मिला। आज इंडिया के स्वरूप में एक बड़ा विपक्षी पार्टियों का गठबंधन देश के सामने, और हर विपक्ष की पार्टी में बड़े नेताओं ने हमेशा सैक्रिफाइस की बात कही, और नीतीश कुमार जी ने तो पहले ही बिहार में महागठबंधन का मॉडल बनाकर देश में एक नजीर पेश की थी। पिछले ही साल कैसे सात सात पार्टियों का समावेश एक साथ किया था। तो ये चिंता हमारे विरोधी करते रहे, ये चिंता देश का हित नहीं चाहने वाले लोग करते रहे। हम जितने लोग हैं, कोऑर्डिनेशन कमिटी बनी है, वरिष्ठतम नेता बैठेंगे, मिल बैठकर सीटों का बंटवारा स्ट्रेटेजी तय हो जाए। हर किसी के मतलब यही है ना कि भाजपा का जो शासन है देश को मुक्ति मिले, आजादी मिले, विकास की राजनीति हो, गरीबों की बात हो, पिछड़ों की बात को सिर्फ जुमला नहीं किया जाए, उनके नाम पर राजनीति करके सुख और वैभव नहीं भोगा जाए। हम भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं, इस चुनाव में भारत के लोग इंडिया गठबंधन का साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी। जवाद साहब आपसे सवाल रहेगा कि अब किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि अब बीजेपी को अगर देखें तो पिछले चुनावों में 2011 के चुनाव को देख लें, 2019 के चुनाव को देख लें, तो बीजेपी को हमेशा इस बात का फायदा ही हुआ है, जब जब ये आंकड़े आए हैं इस बात का फायदा ही हुआ है। बीजेपी को 2011 में 34% वोट मिले थे, 2019 की बात करें तो 44% वोट मिले थे। जी 2014 की बात कर रही हूँ, 2014 में 44% वोट मिले थे। तो आप किस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि ओबीसी का जो ज्यादा आप देखेंगे रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ ही है। एक बड़ा मशहूर शेर है कि है दुश्मन के इरादों को अगर जाहिर करना, है दुश्मन के इरादों को अगर जाहिर करना, तुम खेल वही खेलो मगर अंदाज बदल डालो। तो देखिए क्या हुआ है, जिस खेल को भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि वो इस खेल की मास्टर है, लेकिन वो ये भूल गए कि बिहार की भूमि जो है उस खेल की ग्रैंड मास्टर है, और उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक ये मारते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने ग्रैंड मास्टर स्ट्रोक मारा इस बार इंडिया अलायंस पे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये कह पाना मुश्किल है। अभी मेरी बहन से सवाल करा गया, क्या आप इस सर्वे के पक्ष में हैं या विरोध में हैं, तो गोलमोल आंसर है। अगर ये पक्ष में है तो आप बताइए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां क्यों करवाना नहीं चाह रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं। और अगर आप बिहार में पक्ष में थे, जैसा कहते हैं कि बिहार में पक्ष में है, तो बिहार के अंदर से तो हो गया, लेकिन फिर दूसरे स्टेट में करवाइए और राष्ट्रीय स्तर पे करवाइए ताकि पता तो चल जाए। जनगणना हुआ, जनगणना हो, क्या ये डिफरेंस रहेगा कुछ भी, क्योंकि जनगणना हुआ है और देखा जा रहा है 63% जो वोट है वो देखिए अभी, अभी 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 मनीषा अभी क्या है, तीन राज्य के चुनाव है, खासतौर से पांच राज्यों, लेकिन काउ बेल्ट जो हिंदी बेल्ट के अंदर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव है, और ये चुनावी मुद्दा बनेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हासिल होती है तो ये समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में कहां पे स्टैंड करेगी। हो सकता है 180 के आसपास, 170-175 के आसपास जो है वो लैंड कर जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के हार के बाद हार का सेहरा किसके सर पे होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं उनके सर होगा, या बेचारे जेपी नड्डा साहब के सर पे होगा, ये भी डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी पर तो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन रात जो है कटाक्ष करते रहते हैं, दिन रात आरोप लगाते रहते हैं, दिन रात कांग्रेस के ऊपर करते रहते हैं। कर्नाटक की हार और उसके बाद जो हिमाचल की हार के बाद बड़ी खामोशी है। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं लगातार सुन रही थी जिनके प्रधानमंत्री खुले मन से कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है, वो ये बात कर रहे हैं।
जो राम मंदिर के अगेंस्ट 24 वकील खड़ा करते हैं दर्जन भर, वो ये बात कर रहे हैं। इसके आगे एक और बात कहना चाहूंगी कि हम बात ठीक ठाक इस पर ये सवाल का जवाब नहीं देंगे। राजनीति नहीं चलने वाली, ये राजनीति जो आप कह रही है ये राजनीति नहीं चलने वाली है। आज की बात करिए ना, आज की राजनीति करिए, आज की बात करिए, आज की राजनीति के ऊपर जवाब दीजिए। गजब बात है, आप जाति जनगणना के समर्थन में है या विरोध में है? और अगर समर्थन में है तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर करवाइए, अगर विरोध में है तो बोलिए हम विरोध में है। ठीक है जवाब साहब, ये बोल ही नहीं सकते हैं ना कि पक्ष में है। हम कैसे बोल सकते हैं, हमने वो जातीय उन्माद खड़ा नहीं किया कि बुरा बात साफ करो। हमने माया, आप हंसिए, आपकी पूरा देश का बुद्धिजीवी वर्ग इस बात पे आपकी हंसी देख रहा है, पूरा देश आपकी इस बात पे आपके साथ में हंस रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। जो जाति उन्माद नकार किए जाते हैं, वो जो नकार दा भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को उतार दिया, ये आश्चर्य का विषय नहीं। मीनाक्षी जी, जब मैं ये बात पूरी करनी है, ये बोलिए जनगणना के खिलाफ है तो और लोग है इसका जवाब दे दीजिए। जातिगत जनगणना के हम ये तथ्य और सत्य है कि हम इसके खिलाफ नहीं है, परंतु इसका उद्देश्य क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो जनगणना की गई है 24 मापदंडों पे की गई थी, मीनाक्षी जी, सारे मापदंड एक साथ लाने चाहिए। नहीं तो एक संसदीय राज्य में क्यों नहीं करा रहे हैं, बाहर के राज्यों में ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है, बाहर के राज्यों में क्यों नहीं ये जनगणना? अभी क्या ऐसा तय हो गया कि बाकी राज्यों में नहीं हो रहा है? इतने परेशान मत होइए, आपको नहीं पता, फिर आपको नहीं पता बिलबिलाम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे। आप धैर्य, नहीं धैर्य बहुत रखे हुए, 9 साल हो गए मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे, इस देश की उस जनता का अपमान कर रहे जिन्होंने बहुमत देके उन्हें वहां बिठाया है। अरे देश की अपमान तो मान प्रधानमंत्री जी कर रहे, मुख्यमंत्री करते हैं, हेमंत विश्व शर्मा करते हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, अरे आपके गिरिराज सिंह करते हैं, उसके बाद आकर के करते हैं। अरे पूछिए ना, राजनीति करने वाले लोगों से कर देना 27 की। नामिका जी अपना आप जवाब दे, हम अटल जी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कहा था कि सरकारें आए और जाएं, ये देश रहना चाहिए। अटल जी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने बाहर निकाल दिया, अटल जी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने बाहर निकाल दिया, ये मत बोलिएगा, हो सकता है आपको कल पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। अटल जी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने बाहर निकाल दिया, इतिहास में लिखे जाएंगे हम राम मंदिर बनाने के लिए, और हम नरक की जीवन जीने वाली 3 तलाक से ग्रसित बहनों को एक अच्छा जीवन देने के लिए याद रखे जाएंगे, इतिहास में लिखे जाएंगे। हम वो नहीं है जिन्होंने इतिहास मिटा दिया, जिन्होंने चोल वंशों का इतिहास मिटा दिया, भारतीय राजाओं का, हम वो नहीं है। हम वो हैं जो इतिहास रचते हैं, उसके लिए हम अड़ते हैं और मरते हैं। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अटल जी ने कहा था क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं आपने किस देश की ओबीसी महिलाओं के अंदर उस बिल को बाहर रखा, बताइए ना कहाँ करा आपने? आप देखो कितने दिन में आप संसद महिलाओं को नंबर तरह की बात कर रहे हैं, आपने जाकर के उनको टिकट देकर के सदन में पहुंचाया, कितने आप चलिए आप बताइए कितने अल्पसंख्यकों को आपने टिकट देकर के सदन में पहुंचाया, कितने को टिकट दिए? आप जब बात करती 3 तलाक के ऊपर तो आपको आप बात करने का अधिकार नहीं है, क्यों आप बताइए? का प्रस्ताव रखा था आपने, क्या व्यवहार किया? क्या मैं याद दिलाऊं, क्या इस देश को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है? क्या सुनना नहीं चाहती है? इस देश को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है और आपको भी याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश आपका बोलने का तौर तरीका यहाँ देख रहा है। आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला सम्मान की आप किस तरह से कह रहे हैं? मैं लगातार आपको शांति से सुन रही हूँ आपकी बात को, और आप मुझे बोलने भी नहीं दे रहे। इतना उज्ज्वलित क्यों है, इतना उन्माद से, और ऐसी क्या नई चीज आ गई है मीनाक्षी? सारे आंकड़े सबको पता है, गली मोहल्ले में लोगों को, हर राजनीतिक पार्टी को पता है। परेशान नीतीश जी हूँ, महिला के रिजर्वेशन में और रिजर्वेशन भी तो होनी चाहिए थी, ओबीसी की SC ST की बात, परिवार में भी तो रिजर्वेशन होनी चाहिए थी मेरे भाई, परिवार में भी होनी चाहिए थी। जब मुख्यमंत्री पद से लालू जी हटते हैं तो रावड़ी जी की जगह किसी दलित वंचित गरीब महिला को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, किसी गरीब यादव के बेटे को तेजस्वी जी की जगह आना चाहिए था। हमारे यहाँ तो चाय बेचने वाला आके काम करता है, वो प्रधानमंत्री बनता है, आप तय करिए। आप परेशान होंगे जब RJD से पूछा जाएगा कि 14% यादवों के साथ
चालीस पचास प्रतिशत सीट कैसे दी जाती है, तब आप परेशान होंगे। हम जातियों के नाम पे ना राजनीति करते ना हम परेशान। पर कभी सास कभी बहू ये नहीं ना चलेगा, महिला आरक्षण के नाम पर कभी सास कभी और जाए कभी बहू आ जाए वो नहीं चलेगा। महिला आरक्षण का मतलब खेत खलिहान और गांव कस्बा। महिला आरक्षण का मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निवास से निकली हुई राबड़ी जी हैं आपके लिए महिला आरक्षण का मतलब। पहली पहली नहीं, उमा भारती पे बोल दीजिए आपको। उमा भारती ने क्या कहा था महिला आरक्षण को लेकर के? उमा भारती पे क्यों चुप है आप? और अभी बात कर लीजिए वसुंधरा राजे सिंधिया, आपकी एक महिला मुख्यमंत्री, उनको अरे सुन लीजिए आप, उनकी भी बात कर लीजिए, उनकी बात कर लीजिए आप, इस उन्माद को फैलाने के मुख्यमंत्री जी की बात कर लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर लीजिए, चैनल की गरिमा का मान भी सिंधिया जी को कैसे साइड लाइन लगाया भारतीय जनता पार्टी ने? आप महिला होकर के एक महिला के पक्ष में नहीं खड़ी होती है? यही जंतर मंतर के ऊपर महिला पहलवान बैठी है और भारतीय जनता पार्टी के भूषण शरण सिंह के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के खड़े हुए थे, उनमें आप होकर के नहीं खड़े हो पाए होते थे? उनमें तो आप खड़े हो नहीं, तब आपने भूषण शरण सिंह के समर्थन में बात करना करके, अरे आपको बोलने का अधिकार है? आप महिला लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, बताइए। आप ही की सत्ता थी केंद्र में, ठीक है अनामिका जी? एक बड़ा दबाव बन रहा है विपक्ष की तरफ से जातिगत जनगणना को लेकर के, बहुत बड़ा दबाव है अभी केंद्र सरकार पर, इसको कैसे आप पाटेंगे? क्योंकि अब देखा जाए तो हर राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वो अब ये हथकंडा अपनाएगी और वहां पर जातिगत जनगणना होगा, तो ऐसे में मीनाक्षी जी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी उसकी जो विचारधारा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। वो तो दूर अंधेरे में धुएं में काम करते हुए महिला की पीड़ा समझ के उज्ज्वला गैस दे देते हैं। वो जानते हैं कि जब बीमार होता है कोई व्यक्ति तो अपना घर बार बेच के भी इलाज कराता है, तो विश्व की सबसे बड़ी अडानी की वो महिलाओं की पीड़ा नहीं समझते हैं, भ्रष्टाचार हो गए। अनामिका जी यहाँ बात जनगणना की हो रही है, अब आप बताइए। जनगणना पे ही मैं बोल रही हूँ, उसी पे आ रही है मीनाक्षी। दोनों अगर मुझे बोलने दे तो हम जनगणना बनाते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि वो किस जाति का व्यक्ति है, और कोई भी विकासशील समाज और देश ये नहीं सोचना चाहता और उस पर काम नहीं करना चाहता, जातियों के टुकड़ों में देश को नहीं बांटना चाहता। उन्मादी बात, वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो अगर वो वंचित है, उसको किसी चीज की आवश्यकता है तो वो पूरी होना चाहिए, उसमें इतना जातियों में बांटने की क्या आवश्यकता है? ये किसी भी व्यक्ति के समझ, किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति की समझ से परे है, नहीं है। ठीक है शक्ति यादव जी, मैं बहुत टाइम से कुछ बोलना चाह रहे हैं, शक्ति यादव जी आप बताएं। देखिए मनीषा जी, जाति एक शाश्वत है, इसे कोई नकार नहीं सकता। जब देश के प्रधानमंत्री जब जाति गिराते हैं, घाची हम हैं जिनकी आबादी 0.67% भी नहीं है, वो कहते हैं और ऐसा 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 पिछड़ा के बेटा है कि अडानी पैदा कर दिए, ऐसा पिछड़ा के बेटा है कि सेक्रेट इन्वेस्टमेंट खुल करके दुनिया के अखबारों में छप गया, ऐसा पिछड़ा का बेटा नहीं चाहिए, ऐसा पिछड़ा का बेटा चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे, जहां पर अग्निवीर थोप दिया, ऐसा पिछड़ा चाहिए जो 4 बजे सुबह से जो लोग दौड़ लगाते थे सेना में गर्व के साथ भर्ती होते थे उनके अरमानों पर पानी फेर दिया, ऐसा देश को पिछड़ा नहीं चाहिए। ऐसा जो किसान की आय दुगनी करने की बात कर किसानों पर रौन देते हैं, गाड़ियों से रौन देते हैं इनके मंत्री की गाड़ियां, ऐसा ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जो हर चूल्हे पर जहां भार पड़ता हो, वित्तीय बोझ पड़ता हो, हर गृहणियां जहां लाचारी में अपने को लाचार महसूस करती है, हर युवा भटकाव का रास्ता अख्तियार करता है, 51% दिहाड़ी मजदूर, उसमें मरहूम जेटली साहब ने जारी किया था सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थितियां, कौन है देश में 51% दिहाड़ी मजदूर? कौन है जो भीख मांग करके खाता है? कौन है जो एक कमरे में रहने पर मजबूर है देश के अंदर में? क्या उसकी जाति जानने का अधिकार नहीं? इतना इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो इस देश का एक बार फुल डायग्नोसिस होना चाहिए, और डायग्नोसिस है जाति गणना। जब तक जाति जनगणना नहीं करिएगा शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियां बात बताइएगा। शक्ति यादव जी, 2024 का जो चुनाव है, क्या ये कास्ट के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा? क्या अब विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है? और अगर दूसरे मुद्दे हैं तो इससे नीतीश कुमार कितने मजबूत हुए हैं इस आंकड़ों से? मनीषा जी, मैंने तो आपको दोनों बातें कही, बेरोजगारी महंगाई किसान मजदूर गिरती हुई देश की अर्थव्यवस्था
सरकारी संपत्तियों का औने पौने भाव में पूंजीपतियों के हवाले करना, ये सारे सवालात देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, जिस तरह से पंगु स्वायत्तता समाप्त की जा रही है, संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, एक सवाल नहीं है, ये सब इंडियन का सवाल, ये तमाम सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है, तमाम सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। लेकिन अब आप ये बताइएगा कि ये जो आंकड़े सामने आए हैं, इससे नीतीश कुमार कितने मजबूत हुए हैं? क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा? ये व्यक्ति पूरे देश में ये सवाल सामने खड़ा हो चुका है और देश मजबूत होगा इससे अंतिम पंक्ति के लोग मजबूत होंगे जो हास्य पे लेकिन, है, से, लेकिन ये से, तो आपके लिए चिंता का विषय बन जाता है ना शक्ति जी, ये तो आपके लिए चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि अगर आप पिछले चुनाव में ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुकी, मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये इससे जेडीयू को फायदा होगा या आरजेडी को फायदा होगा, लेकिन ये चिंता का विषय मुझे दिखता हुआ बन रहा है, क्योंकि पुराने अगर चुनावों को का आप देखेंगे 63% अगर ओबीसी आ गई है तो इतना परसेंट वोट जो है वो सीधा बीजेपी को मिलेगी, तो फिर उसके बाद ये तो आपके लिए बड़ा चिंता का विषय बनना चाहिए। बीजेपी को वोट दे करके लोगों ने मान लिया है कमल की फूल आखली भूल, अब उस भूल को दोबारा जनता करने नहीं जा रही है, देखा है कि देश ने किस तरह से भोगा है, भय का वातावरण है देश के अंदर में, हर लोग सहमा हुआ है, पत्रकार भी सहमा हुआ है, माफ करिएगा, किस तरह से चाइना कनेक्शन जोड़ करके पत्रकारों को आवाज उठाने वाले को किस तरह से आज जेल में डाला जा रहा है, एक एक सवाल है, इन सवालों का जवाब 24 में देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। स्वायत्तता आपने समाप्त की है, संस्थाओं को पंगु बनाया है, आपने सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग किया है, औने पौने भाव आपने अपने पूंजीपति मित्रों को दो, हम दो हमारे दो, ये पिछड़ा नहीं है, देश का कोई वर्ग का नहीं हो सकता है। ठीक है, इस दाव से जवाब साहब आपसे सवाल जाएगा, इस दाव से अब है ना जो बीजेपी ब्लैकफुट पर होती नजर आ रही है, क्योंकि अब शिवराज सिंह चौहान भी ये कह रहे हैं कि हम वहां पर एमपी में भी जनगणना कराएंगे, तो क्या आप बीजेपी नहीं देखिए नहीं बीजेपी बीजेपी डबल बैकफुट पे है, बैकफुट पे नहीं, पहले वो एक कदम पीछे थी, अब मुझे लगता है 2 से 4 कदम पीछे होगी, उसका रीजन आपको बताऊं। देखिए ये बात तो अब सुनिश्चित होने जा रही है, जो पिछड़े अति पिछड़े बहुजन समाज के लोगों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हुए हैं, अगर उनकी राजनीति को लेकर के चलेगा, जैसे अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के पीडीए अलायंस की बात कर रहे हैं, पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब इनकी राजनीति जो है वो आगे आएगी और राजनीति के अंदर जो लोग हैं वो अंतिम पायदान से भी निकल करके राजनीति के अंदर आ करके सदनों के अंदर अपनी आवाज रख सकेंगे, कौन से संसाधनों के ऊपर कौन से लोगों का सबसे ज्यादा हक है और उनकी जनसंख्या कितनी है, चीजें हैं, और जो लोग पिछड़े हैं अति पिछड़े हैं बहुजन समाज के लोग हैं उन लोग, तो सब जगह पे ये चीज होना चाहिए कि कितना जी आर्थिक स्थिति क्या है लोगों की, मुद्दे कई हैं, लेकिन आपसी कलह को कैसे पाटेगी इंडिया की जो गठबंधन है, क्योंकि हर किसी को सेम ही चीज चाहिए, हर किसी को सीट चाहिए, हर किसी को पावर चाहिए, हर किसी को पीएम फेस बनना है, तो कैसे इंडिया गठबंधन कैसे एक दूसरे को साथ में लेकर के चलेगी, क्योंकि आपसी कलह अच्छा, जो है वो अभी से ही देखने को मिल रहा है, नाम तो 2024 में है। देखिए क्या है, ये सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत उठाया जाता है, अभी जैसे मैंने कहा कि पीएम का चेहरा कौन होगा, पीएम का चेहरा कौन होगा, तो इनसे पूछिए कि आपके 3 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, पूछिए, जब आप लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की बात करते हैं तो वहां पर पूछिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, हम तो सांसद चुनते हैं ना, पीएम कब से चुनते थे हम चेहरे पे चुनाव कब से लड़ने लगे, अगर हम चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल तो यही है, और अगर देखेंगे तो पूछिए, यहाँ पर अनामिका जी बैठी हुई है, मैं चैलेंज के साथ किसी भी बड़े शीर्ष नेतृत्व से मैं बात करता हूं, उनसे यही सवाल करता हूं कि मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से रो रहे हैं, उमा भारती जिस तरीके से रो रही है, और ऐसी क्या परिस्थितियां खड़ी हो गई कि सांसद लोगों को इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी की खलाई बताऊं आपको, मध्य प्रदेश के अंदर इनका हाल तो ये है, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने 25-30 साल अपनी जिंदगी को दे दिए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, क्या कहेंगे अंदरूनी कलह के बारे में, अभी 3 राज्य का चुनाव हारने दीजिए, अंदरूनी कलह किस तरीके से बाहर निकल के आ गई शुरुआत होती है,
भारतीय जनता पार्टी में से 15 से 20 पार्टियां निकलेंगी आने वाले समय में, ठीक है देख लीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान अलग बनाएंगे। मीनाक्षी मैं एक बार भी नहीं बताऊंगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्यों भाजपा में आए, मैं इस पे बात नहीं करूंगी क्योंकि विषय से विषयांतर होना होगा, ये विषय ही नहीं है हमारा। और अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने जो फॉर्मूला बताया ओबीसी अल्पसंख्यक, वो खुद अपनी जुबान से स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी इस तरह से जातियों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ती है। मैंने एक बार भी कोई फॉर्मूला नहीं बताया कि पिछड़ा अति पिछड़ा स्वर्ण, वो किस तरह से देश को बांट रहे हैं। जनता पार्टी में मुझसे सुना मध्य प्रदेश में स्वर्ण को एक तरफ बैठे कहते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक, माई समीकरण वो खुलेआम कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी के बिना तीन तरह पे बात करते हैं। आप क्यों बता रहे थे, आप क्यों बता रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों बता रहे थे अपनी, बताइए ना माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी जाति बताने की क्या जरूरत पड़ी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बताई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रालय बांटे, माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रालय थे, माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रालय जो है जाति बता बता करके बांटे थे, बोले फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में दो हजार बोले किस देश का पिछड़ा अति पिछड़ा, सारा हिंदू सारा सारा सनातनी और सारा भारतीय एक। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं है आपके पास, कोई जवाब नहीं है आपके पास। आदरणीय तैयारी क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वोट करते हैं आप पढ़कर के, आप पढ़कर के नहीं आती समस्या ये है, घुमाने को थोड़ी ना होती, जनता खड़े रहने वाली पार्टी वाले इस मंच पे बोलेंगे, आप किस मुंह से बोलते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। क्या कहा आपने, आपके नेता मैं बताऊं कि आपकी पार्टी में कितनी आंतरिक कलह है। अरे सरकार, अरे सरकार आपकी है, क्या कर रही थी सारे 9 साल तक पकोड़े करने जा रहे थे इस भारत देश को, पकोड़े करने जा रहे थे क्या, आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए आर्थिक स्थिति आपको बता देता हूं की आवश्यकता है। आप बताइए 2014 के अंदर भारत के ऊपर कितना कर्ज था, 2014 के अंदर आपको पता है 2014 के अंदर भारत के ऊपर कितना कर्ज था बताइए, कितना कर्ज था, आंकड़े उठाकर कितना कर्ज था, अरे कितना था मैं बताता हूँ आपको, जितने जितने प्राइम मिनिस्टर भारत के अंदर है 60-65 सालों के अंदर, मनीषा 60-65 सालों के अंदर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत के अंदर, मनीषा चलेगा अगर सिर्फ सवाल भी आप पूछिए, इसको डिबेट की तरह भाषण रैली का भाषण कहें, ठीक है मीनाक्षी जी क्या जवाब दे रहा था, मैं अनामिका जी जवाब दे, मैं तो जवाब नहीं दे रही थी, जवाब बोल रही थी, इतने विचलित क्यों है, देखिए मीनाक्षी सबसे पहली बात है जवाब नहीं देती आप, जवाब साहब प्लीज आपसे मैं 2 मिनट का है ना, हाँ बोलिए बोलिए। मीनाक्षी जी सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोकतंत्र है और ये संविधान की बात करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया था, जिन्होंने देश के चौथे स्तंभ मीडिया का मुंह बंद किया और फिलहाल में भी पत्रकारों को बायकॉट किया, तो इनके विषय में इनकी संवेदनहीनता इनकी मानसिकता और इनकी विचारधारा के विषय में बहुत ज्यादा बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से चुनी हुई पार्टी है, इस देश के देव तुल्य मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है, वो उस पार्टी के साथ आना चाहते हैं जो यहाँ की जो बहनें हैं महिलाएं की आप बात कर रहे हैं ना, कितना वोट हमें मिला है उत्तर प्रदेश में पूरी तिकड़ा में लगा ली, एक जाति विशेष को भड़का कर आपने ये कोशिश की कि वहां पर हमारी सरकार ना बने, पर वहां की महिलाओं ने ये बता दिया, महिलाएं संस्कृति की वाहक होती है मेरे भाई और वो चाहती है कि वैसी सरकार हो, वैसा की महिलाओं ने हिमाचल की महिलाओं ने क्या बताया, आप तो चुप ही नहीं, कर्नाटक की महिलाओं ने और हिमाचल की महिलाओं ने किसको बताया, पूरी करने दीजिए उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी जी, कर्नाटक की महिलाएं महिलाएं नहीं हिमाचल की महिलाएं महिला, हम नहीं परेशान जवाब साहब प्लीज, जब उत्तर प्रदेश में वो तय करती है कि उन्हें ऐसा नेता चाहिए जो उनकी संस्कृति को आगे ले जाएगा, जो उनकी पूजा पद्धति को तय करने में अड़चन नहीं डालेगा और आने वाली पीढ़ियों को ये तय नहीं करना पड़ेगा कि वो कैसे भारत में जिएंगे, तो वो योगी जी को चुनती है, सारे मंसूबे एक तरफ रह जाते हैं। तो मैं फिर से बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूँ मीनाक्षी जी, 4 वाक्यों में, हम जातीय मतगणना जनगणना के खिलाफ नहीं, जब ये तय हुआ तब उनके साथ थे, आज भी हैं, तो और जो अभी यहाँ से चिल्ला रहे हैं सारे लोग, अगर 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 आप लोग इसके मेरी बात पूरी होने दें मीनाक्षी जी, मेरी बात पूरी होने दें, आपको आपकी बात का जवाब नहीं मिलेगा तो मैं जरूर आपको जवाब दूंगी, हमारे जहां पर हमारा शासन है जो हमारे प्रदेश है, क्या हम वहां नहीं करेंगे, हमने ऐसा कहा अभी, या केंद्र में नहीं होगा, हम ही थे जो रोहिणी आचार्य कि हमने एक कमिटी बनाते हैं और हम उसकी रिपोर्ट लेके आते हैं कि कुछ जाति विशेषों को ओबीसी का जो लाभ मिल गया है उसमें भी वंचित लोगों को मिले, हम ये तय करते हैं, और अगर स्वर्णों को भी दिक्कत है तो उन्हें भी आरक्षण मिले,
ये भी तय होता है, तो फिर योगी ठीक है सरकार, अच्छी थी। तो फिर योगी सरकार की तरफ अगर से हमारी मंशा उन जातियां हम जनगणना नहीं कराएंगे। मीनाक्षी जी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की तरह मैं आपसे पूछती हूं, किसी भी 15-20 दिन की बात है जब यूपी सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि यूपी में कोई जनगणना नहीं होने वाला है, उस उन्होंने पूरी बात आपने सुनी पूरे जी मीनाक्षी जी, उनके पूरे संदर्भ और प्रसंग के साथ मैं कहना चाहती हूँ, संदर्भ और प्रसंग के साथ मैं कहना चाहती हूँ, जनगणना का आधार आवश्यक नहीं कि जातीय ही हो, जनगणना का आधार आर्थिक भी हो सकता है, आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक हो सकता है। और अगर मंशा छाप थी नीतीश जी की तो 26-27 मापकों पर मापदंडों पर सर्वे किया गया, तो उन सारों को वो एक साथ क्यों नहीं लाते हैं, जातीय पहले क्यों लाते हैं? क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैंने पहले भी कहा कि उनके गठबंधन में उन्हें कोई सम्मान नहीं है और तवज्जो नहीं है, और उन्हें उसकी आदत हो गई और उस आदत के तहत वो ऐसा कर रहे हैं। बाकी सारे लोगों पर दबाव बनाने के लिए अपने गठबंधन के लिए वोट बैंक की राजनीति नहीं करती क्या? ओबीसी बैंक की मीनाक्षी जी मीनाक्षी जी भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति नहीं करती। मीनाक्षी जी मैंने आपकी बात सुनी नहीं, रिपीट करें। मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, क्या वो ओबीसी की राजनीति नहीं करती, एमवाई फैक्टर की राजनीति नहीं करती? ऐसे कई सारे आपको है ना, मैं आपको इंसिडेंट्स बता सकती हूँ जहां पर बीजेपी ने वो लोगों को लुभाने के लिए, खास करके वोट्स के ओबीसी या फिर हम कहें जाति के आधार पर उनको लुभाने के लिए कई ऐसे वादे कर चुकी है, लेकिन उसके ऊपर खरी नहीं उतरी है। हमने किसी जाति को उठाने के लिए वादा किया होगा मीनाक्षी जी? हमने किसी जाति को बर्बाद करने के लिए, फिर दोहरा रही हूँ, जातीय नरसंहार नहीं कराए होंगे? हमने कश्मीर से हिंदुओं को बर्बाद होते हुए बिलकते हुए नहीं आने दिया होगा किसी संप्रदाय को खुश करने के लिए? हमने बुरा बाल साफ कहो नहीं कहा होगा? हमने मायावती की तरह मारो जूते चार नहीं कहा होगा? हमने किसी वर्ग विशेष किसी जाति विशेष को उठाने के लिए वादा किया होगा? तो घर में आपके परिवार में भी अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वादा किया जाता है कि आपको ये दिया जाएगा, पर हमने कभी धार्मिक उन्माद नहीं फैलाया, हमने कभी जातीय उन्माद नहीं फैलाया। अब आप शांत हो जाइए, शांति शांति रखिए। अभी आपको बता दे, लास्ट कमेंट ये है, सुन लीजिए, प्रेस की आजादी की अभी बात कर रही थी, प्रेस की नहीं, प्रेस की आजादी की बात कर रही थी। आज ही न्यूज क्लिक के बड़े वरिष्ठ पत्रकारों को जो है दिल्ली पुलिस अपनी हिरासत में आकर लेती क्योंकि सच्चाई दिखाती। और अभी आप बात कर रही थी मणिपुर जल गया पूरा, आप ही की सरकार है डबल इंजन की सरकार, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? कश्मीर क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? दो अल्पाज के बेशर्मी के साथ लोग बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के बात करते हैं महिला सम्मान की, महिला सम्मान नहीं आता है आपको वहाँ पर, और यहाँ पर आकर के प्रश्न नहीं बात करके, अरे 9 साल सरकार आपकी हो गई, जवाब देते नहीं बन रहा आपको, और 9 साल सरकार के अंदर आप जितना बोलेंगे उतना बेनकाब होगी भारतीय जनता पार्टी की। और करिए ध्रुवीकरण की राजनीति, क्योंकि आपके पास सवाल नहीं जवाब नहीं। मणिपुर पे आपसे दो अल्पाज नहीं बोले गए, आप मणिपुर को छोड़ करके कश्मीर में उठ गए, आप कश्मीर के ऊपर ध्रुवीकरण की राजनीति है तो हम स्वीकार करते हैं वो आपने चालू करी, बांधने से लेकर मंडल उपमंडल की राजनीति भी देखी किसने करी, उसके बाद भागवत साहब 2015 में आकर कहते हैं जो है उस पर समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, मोहन भागवत ने कहा था नहीं कहा था, उसके बारे में क्या कहना है आपके? आप नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे, इन्हें बताइए आप नहीं बोल पाएंगे मैडम, ये चैनल पर डिबेट नहीं रहने की बात नहीं है, आप एक चैनल, अरे हमें मस्ती का डिबेट कैसी होती है भाई, हमको मत बताया करिए, डिबेट के कायदे कानून हमको सीखने की जरूरत नहीं है, आप सीखिए थोड़े से और पढ़ करके आइए, मेरी बड़ी बहन पढ़ करके आइए, थोड़ा पढ़ करके नहीं आती है, तकलीफ इस चीज की है मनीषा, तकलीफ इस चीज की है, कश्मीर गुजरात पूरी दुनिया का भ्रमण बढ़वा, लेकिन महिलाओं के सम्मान के ऊपर मणिपुर के ऊपर इससे बहुत बात बोले जाते हैं, यही जंतर मंतर के ऊपर हमारी महिला खिलाड़ी बैठी रही, महिला खिलाड़ी बैठी रही ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, इनके मुंह से दो अल्पाज नहीं निकलते, कठुआ के अंदर जम्मू के अंदर एक बच्ची का रेप होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग रेपिस के समर्थन में निकालते हैं यात्राएं, बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होते हैं तो अल्पाज भी बोले जाते हैं, अरे कब तक डिबेट करेंगे? मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दीजिए और सच्चाई। यहां पर अभी फिलहाल हम जो टॉपिक पे बहस कर रहे थे वो जातिगत जनगणना थी, आप कहां से कहां पहुंच गए, इस वक्त हम इस डिबेट को यहीं पे विराम देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।